हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही पढ़ाई लिखाई? बढ़िया, मज़े में, एकदम धमाकेदार की नहीं? अपन लोग कर रहे हैं क्या ICSE क्लास 10th मैथ सेलिना बुक को कंप्लीट, जिसमें कि हमारा चल रहा था कौन सा चैप्टर? सर, जीपी चल रहा था। फर्स्ट एक्सरसाइज देख लेता इंट्रो के साथ क्वेश्चन, सेकेंड का इंट्रो हो गया था जिसमें हमें समेशन पढ़ना है एक जीपी का, ठीक है। एंड टर्म्स अगर गिवन है जीपी में तो उसका सम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए इंट्रो देख लेता। आज करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आई होप आपने कुछ ट्राई भी किए होंगे और बीच में थोड़ा सा ज़्यादा ही गैप हो गया, उसके लिए हृदय से माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। उसके लिए क्षमा करिएगा, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की वजह से क्लासेस नहीं हो पाएँ, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने लेकिन ट्राई किया होगा, ठीक है। तो लेकिन अब कंटिन्यूटी रहेगी आपकी पूरी क्लासेस में, कंटिन्यूस फॉर्म में आपकी चलती रहेंगी पेपर तक, ठीक है। तो आज हम करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन, आई होप आपने भी ट्राई किए होंगे, ठीक है। कौन से क्लियर हैं, किस पर बेस्ड हैं? सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है। जीपी के अगर एंड टर्म्स ये भी ना, तो उनका सम कैसे निकालेंगे चुटकियों में विद इन सेकेंड, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। आई होप आपके सामने भी बुक खुली होगी, लेटेस्ट एडिशन, उसके बेसिस पर वाले ही क्वेश्चंस बता रहे हैं, ठीक है। तो आप देख लेना। चलिए भैया, सबसे पहले अगेन एज यूजुअल MCQ रहेंगे 11B, ठीक है। फर्स्ट MCQ क्या बोल रहा है कि आपको बोल रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ जीपी फाइंड आउट करना है, अगर जीपी ये रही तो, ठीक है। क्या निकालना है? S4 निकालना है हमें, क्या निकालना है? S4 निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स, ठीक है। आप कहोगे तुम तो इंडिविजुअली ऐड कर लेंगे, नहीं, लेकिन अपन फॉर्मूले से करेंगे, कैसे आइए देखते हैं, ठीक है। फील करो भैया, फील करोगे तभी मज़ा आएगा, नहीं तो तुम ज़बरदस्ती पढ़ोगे कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। अगर तुम चाहते हो कि सामने वाले तुम्हें शायरी सुनाए, गाने सुनाए, तब जाकर तुम्हें मज़ा आएगा, तो सोचने वाली बात है कि आप और पढ़ाई के बीच में अभी भी कुछ गैप है। आपको खुद अंदर से सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंटरेस्ट आना चाहिए, तब जाकर मज़ा यार पढ़ाई का यार। मतलब तुम्हें ये देखो ना, इंटरेस्ट आने के लिए तुम्हें चुटकुले, मजाक, शायरी इनकी जरूरत पड़ रही, तो सोचने वाली बात है। इसलिए अंदर से लाइए ऐसा इंटरेस्ट कि आप थोड़ा सा सोचो कि अरे ये भी हो सकता है, ये भी, ये तो हमने सोची नहीं। मीन्स मैथ्स क्या है, केवल एक्सप्लोरिंग सब्जेक्ट, एक एक्सप्लोर कराता है आपको कि अलग अलग अप्रोचेस क्या हो सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा मैथ्स के मज़े लीजिए, मैथ्स को फील करिए, तब जाकर इंटरेस्ट आएगा। अगर आप सोचोगे नहीं ज़बरदस्ती पढ़ना है तो सब बेकार है भाई। किसी के मतलब आप बोल सकते हो कि किस कोई अगर आपको उसमें इंटरेस्ट लाने के लिए गाना गाए, शायरी करे, ये करे, वो करे, तो वो सब बेकार है। आपको खुद से इंटरेस्ट आना चाहिए, तब कोई बात है, ठीक है। कोशिश की अगर उसको फील करने की। चलिए देख लेते हैं, 2, 6, 18 ऐसी एक आपकी जीपी की सीरीज़ है। S4 निकालना है, सबसे पहले A क्या है इसमें, 2 है। R क्या भैया, कॉमन रेशियो 6/2, 3 है, ठीक है। N क्या है इसमें, 4 है। आर हमने देख लिया 1 से बड़ा है, तो फॉर्मूला हमारा क्या लग जाएगा, सम ऑफ एन टर्म का ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। हो क्लियर है? चलिए S4 ए 2, 3 की पावर 4 माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन, ठीक है, वेरी गुड। 2 एज इट इज 3 की पावर 4, आपको पता है कितना, तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, 81 माइनस वन होल अपॉन 3 माइनस वन 2, ठीक है सर। 2 से 2 कट गया, ये आ गया 80। मतलब पहले चार टर्म्स को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 80, गॉट इट। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन ही। इसमें क्या बोल रहे हैं, फोर्थ टर्म गिवन है इस बार हमें, A4 कितना है, 54। सेवन्थ टर्म गिवन है हमें इस बार कितना है, 1458। वी हैव टू फाइंड द आर, वी हैव टू फाइंड द आर, ठीक है भाई, करते हैं कोशिश। पर ये इस वाले चैप्टर में कायदे दी हो, ठीक है, कोई नहीं। A4 मतलब सर ARQ है ना, A4 इज इक्वल्स टू 54, और जो कि इक्वल होता है ARQ के, ठीक है। ऐसे A7 मतलब 1458 गिवेन है, A7 मतलब AR की पावर 6, ठीक है। इसको हम फर्स्ट कंसीडर कर ले रहे हैं, इसको हम सेकंड कर ले रहे हैं, या तो फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड कर लो, या फिर सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड को डिवाइड कर लेते हैं फर्स्ट से, 1458 अपॉन 54, ठीक है। तो यहाँ से A से A कट जाएगा, R की पावर 3 से 3 पावर कट जाएंगी, 3 पावर बचेंगी, ठीक है सर। यहाँ पर देखते हैं कुछ सिंप्लीफिकेशन हो पा रहा है, 9 से हो जाएगा, पहले 9 से कर देते हैं इसको सिंप्लीफाइड। 9 से 1 टाइम्स 9, 55, 6 टाइम्स 54, 118 2 टाइम्स, 9 से 6 टाइम्स, 6 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो RQ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 एंड देन 7, तो ऑब्वियस है, दिख रहा है किसका क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब होता है, तो R इक्वल्स टू 3, कॉम रेशियो आ गया, ठीक है। ऑप्शन देख लेना कौन सा, ऐसे फर्स्ट वाले का ऑप्शन आ जाएगा आपका सेकंड, सेकंड वाले का आ जाएगा आपका सेकंड,
अब बात कर लेते हैं इसके सी वाले पार्ट की। ठीक है, सी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं हमसे, ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहे हैं भैया। ज्योमेट्रिक मीन देख लीजिए, ये थोड़ा सा अच्छा है। ज्योमेट्रिक मीन ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन आई होप मैंने आपको इंट्रो वाली वीडियो में नहीं बताया होगा। ज्योमेट्रिक मीन सिंपली ये है कि उन दोनों लेट्स से दो नंबर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, इनका अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है कि अंडर रूट ऑफ उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। सुन लीजिए फिर से कैसे, देखो तो आपने अरिथमेटिक मीन भी अभी नहीं पढ़ा है, आप पढ़ोगे। अरिथमेटिक मीन होता है ऐसे ज्योमेट्रिक मीन होता है। ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या होता है कि उनके बीच का नंबर निकालना, उनके बीच में क्या नंबर आएगा तो वो आप सिंपली ऐसे निकालते हो, क्योंकि आपको पता है, मैं फिर से आपको कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा। लेट से ए और बी के बीच में आ रहा है एक नंबर सी, नहीं पता है सी क्या है, तो आप सी कैसे निकालते हो? पहले तो आपको पता है कॉमन रेशियो मतलब सी अपॉन ए इक्वल्स टू बी अपॉन ए बी अपॉन सी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, और फिर सी निकालने के अंडर रूट लगा दोगे। तो एक्चुअल में यही तो होता है ज्योमेट्रिक मीन, यही होता है कि आपको उन दोनों के बीच वाला नंबर निकालना है, और वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि वो तीनों नंबर आपके जीपी में हो जाएं, तो उसको ही कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। और उसको निकालने का यही मेथड है अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स, ठीक है। तो इस तरीके से देख लीजिए ऐसे करना है अपन को, ठीक है। तो इसमें क्या है 8 और 32, तो ज्योमेट्रिक जो मीन होगा वो हो जाएगा अपन कितना 8 इंटू 32। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा 6 यहाँ बन कैरी 256। ये तो सर 16 का स्क्वायर होता है, बस 16 आ गया ज्योमेट्रिक मीन, बस खत्म डाटा, बाय बाय। देख लोगे 8 16 32, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32 है ज्योमेट्रिक मीन। तो आपका ये फोर्थ, ठीक है। डी वाला पार्ट देखते हैं, डी में क्या बोल रहे हैं भैया, सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी, तीन टर्म्स का सम, मतलब तीन टर्म्स हैं जिनका सम है जीपी का, 3 whole 1/2, सम ऑफ थ्री टर्म्स, 3 whole 1/2, वी हैव टू एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, मतलब उन्हीं तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट है 1, तो नंबर्स क्या होंगे, समझ रहे हो? अच्छा क्वेश्चन है। देखो जनरली अपन को अगर जीपी में नंबर्स को करना है लेट, तो आप क्या कर सकते हो, वही ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। लेकिन जनरली जब हम प्रोडक्ट वाला डेटा साथ में गिवन होता है तो हम कुछ स्पेशल फॉर्म में लेट करते हैं नंबर्स को। किस फॉर्म में सर? स्पेशल फॉर्म में, कैसे, आइए देख लेते हैं। अगर हमें तीन नंबर्स ऑड में लेट करने हैं तो हम कुछ ऐसे करते हैं ए आर और ए अपॉन आर, कुछ इस तरीके से तीन नंबर्स हम लेट कर लेंगे ए आर ए अपॉन आर। पाँच करने होंगे तो एक यहाँ पर बढ़ा देंगे ए आर स्क्वायर, एक यहाँ पर बढ़ा देंगे ए अपॉन आर स्क्वायर, समझ पा रहे हो? अगर आपको ऑड नंबर्स में लेट करना है जिसमें आपको उनका प्रोडक्ट भी गिवन है साथ में सम के साथ, तो उस केस में जनरली हम कुछ इस फॉर्म में लेट कर लेते हैं उन नंबर्स को ए अपॉन आर ए ए आर। अगर ये थे तीन नंबर, पाँच नंबर होंगे सर, तो ए एज इट इज़ बीच का रहेगा ए आर, और एक और आगे बढ़ेगा ए आर स्क्वायर, ऐसे ही एक बैकवर्ड में जाना पड़ेगा ए आर ए अपॉन आर के, जो हो जाएगा ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इवन के केस में कुछ अलग होता है, जैसे यूज में आएगा अपन देख लेंगे उसको, ठीक है। तो तीन नंबर हमने ये लेट कर लिए, बोल रहे हैं कि इनका सम कितना है 3 whole 1/2, मतलब सर कितना हो जाएगा ये 7/2। इनका प्रोडक्ट मतलब ए अपॉन आर इंटू ए इंटू ए आर कितना है ये 1। इसको सॉल्व कर सकते हैं पहले, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो आर से आर कट के ए इंटू ए इंटू ए क्यूब इज इक्वल्स टू 1, मतलब सर ए की वैल्यू आ गई 1। हाउ क्लियर है? वेरी गुड। अब इसको इसमें हम पुट कर रहे हैं, देखिएगा कैसे। तो हो जाएगा 1 upon r + 1 + r, तो हो जाएगा 7/2, ठीक है। 1 को वहाँ ले जाते हैं 1 + r, और r एज इट इज़ 7/2 माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पर कर लेते हैं इसके आगे का सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पर, r 1 + r² 5/2, ठीक है। इसके बाद एक मिनट रुकिएगा, जस्ट अ मिनट, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसके आगे का क्या है सीन। एक्चुअली इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती हुई दिख रही होगी आपको भी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 2 = 2 × 1 = 2 × r² 2 r² = 5 × r 5 r। इसको यहाँ शिफ्ट करिएगा तो पहले 2 r² फिर माइनस का 5 r आ जाएगा, प्लस का 2 = 0। फैक्टराइज करना आई हो बातों का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तो पढ़ा नहीं है लेकिन पढ़ लेंगे बहुत जल्द, और आपको वैसे भी बेसिकली आता ही होगा, 9th में थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, ठीक है। दो फैक्टर्स जिनका सम आ रहा है -5 और प्रोडक्ट आ रहा है +4, तो -4 and -1, 2 r² - 4 r - r + 2 = 0। ओ 2 r कॉमन, r -2,
माइनस वन, आर माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, आर माइनस टू कॉमन, और यहाँ बचेगा टू आर माइनस वन। तो यहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी टू, आर की वैल्यू हो जाएगी वन बाई टू। अब एक्चुअल में आर की वैल्यू दोनों ही हो सकती हैं, तो आप एक एक करके दोनों को पुट करिएगा, लेकिन ए फिक्स है वन। एक बार ए को वन और आर को टू लेके सॉल्व करिएगा, एक बार ए को वन और आर को वन बाई टू लेके सॉल्व करिएगा, चेक लेना ऑप्शन में आपको कौन से वाले नंबर्स गिवन हैं, ठीक है। तो ये ए वन और आर टू के लिए देख लेते हैं क्या नंबर्स बन रहे हैं अपने। ए अपॉन आर मतलब वन अपॉन टू, देन ए मतलब वन, और देन ए इंटू आर मतलब वन इंटू टू टू। और एक्चुअल में जो दूसरे वाले नंबर्स बनते हैं वो इनके रिवर्स फॉर्म में ही बन जाते हैं, मतलब ए की वैल्यू वन और आर की वैल्यू अगर हाफ लोगे तो बस इसके रिवर्स ऑर्डर में मिल जाएंगे आपको टू वन और वन बाई टू। तो नंबर्स तो आपके यही तीन है। ऑप्शंस में आप चेकआउट कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका, वन बाई टू वन टू, वन बाई टू वन टू, ठीक है यही हो जाएगा पहला वाला, बस कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार थर्ड को और फोर्थ को भी चेकआउट करोगे तो थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, वन वन बाई टू एंड टू, नहीं वो गलत है, सफल्ड नहीं कर सकते हो, आपको एक ऑर्डर में ही रहेंगे, या तो ये ऑर्डर यूज़ करिए या फिर ये ऑर्डर, ये बोलना है कि वन पहले आएगा फिर हाफ आएगा, नहीं वो तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए ध्यान रखना है आपको टू हाफ और वन भी नहीं होगा, टू वन और हाफ हो सकता है, हाफ वन और टू हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और कोई नहीं हो सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका मैच हो रहा है फर्स्ट वाला, ठीक है। जल्दी से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका फिफ्थ पार्ट करके अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा है, बोलो ना आ रहा है कि नहीं, दोस्तों को शेयर करो, आगे बढ़ाओ वीडियो को कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, आपके दोस्तों तक पहुँचे, मित्रों तक पहुँचे, वो भी अच्छे से कर पाए मैथ में, अगर वो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ में, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए ठीक आइए, चलिए देख लेते हैं इसका ई वाला पार्ट क्या कह रहा है अपन से। ई पार्ट, ठीक है, ई पार्ट में बोल रहे हैं ये आपसे, सम ऑफ 20 टर्म्स क्या होंगे इस जीपी के, 10 20 40 ये जीपी चल रही है, एस 20 बताना क्या होगा इन चारों ऑप्शंस में से, ठीक है। चलिए पहले ए निकाल लेते हैं, ए क्या है 10 है सर, आर क्या है 20 बाई 10 मतलब 2 है सर, एन क्या है 20 है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एस एन मतलब इसमें कौन सा वाला लगेगा, आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, हो वेरी गुड, एस 20 ए 10, 2 की पावर 20 माइनस 1 अपॉन आर क्या भैया अगेन 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये 10 एज इट इज़ की जगह 2 की पावर 20 माइनस 1 अपॉन 1 आएगा, नहीं सॉल्व नहीं करना है मतलब हमें, बस यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि ऑप्शन भी कुछ इसी फॉर्म में दिए हैं हमें। तो ये आपका आई थिंक मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर। चलिए भैया अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के, मैं दिए 6 पार्ट्स, करते हैं भैया करते हैं सेकंड क्वेश्चन के 6 पार्ट्स, ठीक है। सभी में सम फाइंड आउट करना है हमें, सम ऑफ जीपी। फर्स्ट पार्ट में आपको एक सीरीज गिवन है 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 और ये जा रही है आपकी कहाँ तक, टू 12 टर्म्स तक, मतलब आपको इस जीपी में 12 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। चलिए भैया सबसे पहला काम तो हमेशा आपका क्या रहेगा, ए लिख लीजिए, आर लिख लीजिए, एन लिख लीजिए, कितने हैं 12 टर्म्स, बस लगा दो ये फॉर्मूला, आर की वैल्यू अगेन 1 से बड़ी है तो वही लगेगा यार यही फॉर्मूला, बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहे हम। एस 12 इज इक्वल्स टू ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, हो वेरी गुड, 3 की पावर 12 माइनस 1 अपॉन 2, बस यही हो जाएगा, इसको सॉल्व नहीं करना है। 3 की पावर 12 इमेज नहीं करिए कितना बड़ा नंबर होगा, इसलिए इसको आप यहीं पर छोड़ सकते हो, ठीक है। सेकेंड पार्ट 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003, ठीक है ओके, प्लस 0.0003 ओके, प्लस कहाँ तक जा रही है सीरीज, 8 टर्म्स तक जा रही है, टू 8 टर्म्स 8 टर्म्स, आइए देखते हैं। तो ए लिख लीजिए पहले 0.3, आर क्या हो जाएगा इस केस में 0.03 अपॉन 0.3, इसको आप सॉल्व कर लोगे अच्छी तरीके से, क्या आ जाएगा आपका 1/10, आओ क्लियर है कैसे आएगा, नहीं क्लियर, अरे भाई साहब तुम लोग देखो क्या करिए, डेसिमल हटाइए ऊपर से तो नीचे आ जाएंगे 2 जीरो, नीचे से हटाइए तो ऊपर आ जाएगा 1 जीरो, 3 से 3 कटेगा 1 जीरो से 1 जीरो, तो 1/10 बचा है, ठीक है। एन कितना है 8,
क्लियर हो रहा होगा इसमें कि आठ टर्म्स हैं, आर है आपका वन से छोटा, मतलब फॉर्मूला लगेगा हमारा ये वाला, वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। लगाने को तो यू भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, बस लास्ट में कॉमन लेके वो कैंसिल आउट करना पड़ेगा माइनस साइन। तो एस एट ए 0.3 वन माइनस वन बाय टेन की पावर एट अपॉन वन माइनस वन बाय टेन। ओ ठीक है, इसको यहीं पर कर लेते हैं सॉल्व। एस एट इसको लिख सकते हैं 3/10, इसको लिख सकते हैं 1-1/10 की पावर 8, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी 1 ही होता है, तो इसको हम लिख लिया 1/10 की पावर 8, ठीक है, होल अपॉन एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 9/10। ओ ठीक है, तो देख लो जो कुछ कैंसिलेशन हो रहे हैं, 0 से 10 जाएगा, 3 से 1 times, 3 से 3 times, तो ये 1/3 यहाँ बचेगा, साथ में आंसर आ जाएगा कुछ 1-1/10 की पावर 8। अब मे बी आंसर शीट में कुछ आगे पीछे करके दिया हो तो उसमें आप परेशान मत होइएगा, ये भी आपका आंसर सही है। क्लियर है यहाँ तक? अगला वाला क्वेश्चन करिए नेक्स्ट। चलिए ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हमसे। याद रखिएगा थोड़ी सी डेसिमल्स वाले अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब थर्ड पार्ट यार, तुम लोग कन्फ्यूज मत हुआ करो। 1-1/2 और भाई सिलेबस थोड़ा सा स्लो हो गया, आई थिंक क्या बिल्कुल हो ही गया स्लो, थोड़ा फास्ट चलेंगे, आप भी थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, है ना, तभी काम हो पाएगा। कोशिश करेंगे दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए अपना, अभी क्या अपने पास अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हैं, कोशिश पूरी पूरी होगी भैया कि जल्द से जल्द रेगुलर वीडियोज़ मिले आपको और पूरा सिलेबस अपन एक एक क्वेश्चन के साथ पूरा कंप्लीट कर लें, ठीक है, दिसंबर तक। जनवरी में अपन करेंगे बेहतरीन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अगर सिलेबस बाय चांस नहीं होता है, वैसे तो होगा, डेफिनेटली हो जाएगा, नहीं होता है तो फिर भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जिसमें से चांसेस ज़्यादा रहेंगे आपके एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। चलिए -1/8 9 टर्म्स तक, ठीक है, आइए देख लेते हैं। ए क्या है भैया? 1 है। आर क्या होगा? माइनस का हाफ अपॉन 1, मतलब माइनस का हाफ ही रहेगा। एन केस में 9 है, ठीक है, फिर से आर की वैल्यू क्या 1 से छोटी है, तो फिर से हमारा यही वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। तो एस 9 ए 1-r की पावर n दैट इज 9 होल अपॉन 1-, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, बिल्कुल सिंपल शॉर्ट सब बात बढ़िया चल रही है, ठीक है भैया, ये एज इट इज़ 1 हट जाएगा 1-। अब थोड़ा सा सोचने वाली बात है, अगर किसी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी है नेगेटिव में, पावर है ऑड, फिर से किसी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी है नेगेटिव में, पावर है ऑड, तो आपको पता है नेगेटिव नंबर्स को अगर ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव में ही आता है, तो हम इस ब्रैकेट में से माइनस साइन को बाहर ला के इसको प्लस कर सकते हैं, हाँ कि ना, जल्दी से ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो यार। एक ब्रैकेट में अगर नेगेटिव नंबर है उसकी पावर है ऑड, तो ऑब्वियस वाली बात है कि वो आंसर ओवरऑल नेगेटिव ही आएगा, तो हमने माइनस साइन को बाहर रख लिया जिससे कि थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ये अगेन माइनस माइनस प्लस होके हो जाएगा 3/2, ठीक है, इसको रेसिप्रोकल करके लिख लीजिएगा 2/3 1+1/2 की पावर 9, ठीक है। मे बी इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड करके दे सकते हैं, ये कैसे, एलसीएम वगैरह लेके 2 की पावर 9 प्लस 1, और यहाँ पर एक पावर कट जाएगी तो 8 बचेंगी, तो 2 की पावर 9 प्लस 1/3 2 की पावर 8। ओ अब आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई, वैसे काफ़ी बड़ा नंबर है, लेंदी आंसर आएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो उसको, ठीक है, यहाँ तक इसकी शॉर्ट ले लीजिए, फिर अपन देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है डायरेक्ट, बस आपको ध्यान रखना है इन सभी चीज़ों का कि आपको ए पता होना चाहिए, आर और एन, ठीक है, और सम का फॉर्मूला लगा देना, आर अगर बड़ा है 1 से तो ये, 1 से छोटा है तो ये, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चंस, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड, ठीक है, आइए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। साथ में आप भी ट्राई कर सकते हो, ये नहीं कि बस केवल सॉल्यूशन देख के बस फ्री हो गए, नहीं भैया, कोशिश करना पड़ेगा तुम्हें भी। सीरीज लिख लेते हैं, क्या है, 1-1/3 +1/3² -1/3³ प्लस एन टर्म्स तक, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, करते हैं, आइए देखते हैं। पहले तो ए लिख लीजिए, क्या है भैया, ए 1 है। आर क्या है? माइनस का 1/3 होगा, ठीक है, ऑब्वियस है, 1 से डिवाइड करोगे तो वही आ जाएगा। एन तो इसमें एन ही है क्योंकि एन टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब एक जनरल वे में आंसर आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाएगी जो कि अभी तक आ रही थी। तो आर तो क्लियर है, 1 से छोटा है, तो फॉर्मूला आपको भी क्लियर होना चाहिए, कौन सा होगा, ए 1-r^n 1-r, हो 1
हटो 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 हटो, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस ओके 4/3। इसको आप लिख सकते हो 3/4 1 माइनस। अब सर थोड़ी सी समझने वाली बात यहीं पर आ गई है कि इसमें हमें एन नहीं पता है, ऑड है या इवन है, तो आप माइनस को बाहर नहीं ला सकते हो, है ना, क्योंकि हमें क्लियरिटी नहीं है कि एन ऑड है या इवन। इवन होगा तो माइनस नहीं आएगा क्योंकि वो प्लस हो जाता है, ऑड होगा तो बाहर आएगा, तो वो डिपेंड करता है एन क्या होगा, तो आप उसको यहीं पर छोड़ सकते हो, ठीक है, क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहे भैया, एक्स प्लस वाई होल अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस वन प्लस एक्स माइनस वाई होल अपॉन एक्स प्लस वाई, कहाँ तक, एन टर्म्स तक, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख लीजिए पहले क्या है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब आर आप कैसे निकालोगे, दिस अपॉन दिस, मतलब इसका रेसिप्रोकली हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दिस अपॉन दिस, तो इसका मैं सिंपली रेसिप्रोकल ही करना है, ठीक है भैया, लो, ठीक है, ये आ गया हमारा क्या आर, एन टर्म्स की बात हो रही है, तो वही। अब इसमें कोई भी लगा दो क्योंकि हमें पता ही नहीं है, बस फिर से एक बात सोचने वाली बात यही है, आप आर को एक लॉजिकल तरीके से देख सकते हो, एक वन से बड़ा है, वन से छोटा है, कैसे, ऊपर लिखा है उन दोनों का डिफरेंस, नीचे लिखा है उन दोनों का सम, तो एक्स और वाई इसमें ऐसा कुछ आई थिंक दिया नहीं है कि एक्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ है क्या, हाँ ऐसा कुछ नहीं दिया, अगर सिंपली हम दोनों को पॉजिटिव लेके चलें तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी का डिफरेंस छोटा होगा उनके सम के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, मतलब वन से छोटा है आपका रेशियो, तो हम कह सकते हैं ये वन से छोटा है, तो कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, ए वन माइनस एन देन वन माइनस आर। ओ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, ये एज इट इज रहेगा आपका, ठीक है, कोई बात नहीं है, उसके बाद इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो एक्स प्लस वाई माइनस का एक्स प्लस का वाई, ओ एक्स एक्स कट जाएगा, और कोई सा पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, कोई नहीं, ये सबसे ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो ऐसे इनकी बात चल रही है हम पर एक्चुअल में, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 2 बाय एडिशन होकर, और साथ में ये रहेगा 2 बाय और एक्स माइनस वाई, ठीक है, और इस वाले पार्ट में आप क्या ही कर पाओगे, छोड़ो जरी, 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की होल पावर एन, ठीक है, करना हो तो क्या ही करोगे यार, लेकिन नीचे वाली सॉल्व हो जाएगी पावर, अब एलसीएम ले लोगे तो ये बन जाएगा, देख लो भैया इसी फॉर्म में रहेगा आपका जनरली ये वाला आंसर, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ तो एक्स प्लस वाई की पावर एन आ जाएगा एलसीएम, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा एन, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे बस दो पावर ही कट के यहाँ पर पावर हो जाएगी एन माइनस टू, इतना सा चेंज आ जाएगा बस, एन एन टू वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई की पावर एन माइनस टू, हो बस ये आ जाएगा आंसर, ठीक है, इस तरीके से, तो आप देख लीजिएगा जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं यहीं पर ही, सिक्स नंबर का क्या है, √3 + 1/√3 + 1/3√3 चलता जा रहा है कहाँ तक, एन टर्म्स तक, आइए क्या होगा इसका देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है, तो इसमें आपको क्लियर है ए क्या है √3, आर क्या है 1/√3 / √3 मतलब 1/3, एन तो एन है ही, आर की वैल्यू फिर से बन से छोटी है, तो वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन ए 1 - 1/r / n 1 - r, हाओ ये √3 एज इट इज़, इसको लिख सकते हैं 1 - 1/√3 / n होल अपॉन, ये हो जाएगा 2/3, बस सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 हो जाएगा सबसे ऊपर, 3√3/2 1 - 1/3 / n बस ये था, ठीक है, सिंपल है, आई आपको आगे होगा समझ में किस तरीके से अपन ने किया है, देख लीजिए जल्दी से इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो लेना तो हो गया आई थिंक, है ना, ज़रूरी है, ठीक है, तो अपन ने भी आज क्योंकि देखो 5 पार्ट थे फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें से 6 टोटल मतलब 11 क्वेश्चन कर लिए अपन ने,
इनडायरेक्टली पैसे दो किए लेकिन इनडायरेक्टली 11 क्वेश्चन कर लिए, तो इनको आज देख लेना क्योंकि रेगुलर वीडियोज़ रहेंगी तो आपको डेली वीडियोज़ मिलेंगी, ठीक है। इसलिए बाई चांस ये कभी एक आधा नहीं मिल पाए, अदरवाइज रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगी तो अपन जल्दी से जल्दी उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। आप भी ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो देखते हैं, ठीक है। अरे आपको मजा आएगा आज की वीडियो में, बताइएगा जरूर कुछ किस चीज़ की अगर कमी लगी है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, पर्टिकुलर चैप्टर पर आपको चाहिए जो आपके एग्जाम में आ रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर जल्द से जल्द वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी आपको आज की वीडियो में मजा आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में बस रहें। थैंक यू, जय हिंद।